बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो ये हमारे पास ये रिसीवर आया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि ये CS8001, ये इसका नंबर लिखा हुआ है, ये CS8001, और ये इसका सिस्टम नंबर है M88C8001। तो ये चिप सेट है, तो इसको ये बिल्कुल डेड पोजीशन में है। ऑलरेडी इसकी हमने फ्लैशिंग कर दी है, तो उसके बावजूद भी ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ये आपको हम चेक करवा देते हैं कि ये अभी भी जो है ये रेड लाइट पर ही रुका हुआ है। तो इसमें अब क्या मसला है, इसके हम वोल्टेज चेक करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये इसके ये 3.3 वोल्टेज, ये आप देख सकते हैं 3.3 वोल्टेज जो है इसके, ये इसके 3.3 वोल्टेज भी क्लियर हैं, और ये इसके 1.8 वोल्टेज ये भी क्लियर हैं, और ये 1.2 वोल्टेज भी इसके जो है ये क्लियर हैं। तो ये सिस्टम इसका भी गर्म नहीं हो रहा है। तो इसको कोशिश करेंगे कि सिस्टम को हम दोबारा जो है निकाल के जो है इसको इसको रिसोल्व करके कोशिश करेंगे कि इसको दोबारा से इसको रिपेयर करके लगाएं, ताकि हो सकता है ये स्टार्ट हो भी जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आजकल के जो नए बोर्ड आए हुए हैं, तो इन बोर्डों में यही चिपसेट जो है ये फॉल्ट कर रही हैं। बाद अवकात जो है इसमें फ्लैशिंग का प्रॉब्लम आता है, और फ्लैशिंग करके जो है वो चल जाते हैं। तो आज फ्लैशिंग हमने की, पर उसके बावजूद भी ये स्टार्ट नहीं हुआ। तो ये सिस्टम हमने इसका निकाला है, क्योंकि इसमें कार्बन वगैरह भी था, तो कार्बन और रंग की वजह से हो सकता है कोई कनेक्शन मिसप्लेसिंग करता हो, जिसकी वजह से ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये आप देख सकते हैं इसका प्रिंट। तो दोबारा से हम इसको जो है सिस्टम को रिपेयर करके लगाएंगे। हो सकता है कार्बन की वजह से जो है ये स्टार्ट ना हो रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये इसका सिस्टम हमने निकाला है, और दोबारा से ये इसको हम शिफ्ट करेंगे अपनी जगह पर। तो हो सकता है कि ये स्टार्ट हो जाए। तो हमारी कोशिश यही होगी कि ये क्लियर स्टार्ट हो जाए। तो ये उसके पर थोड़ा सा ये हम जो है रंजन जो है काव्य की मदद से पेस्ट की जगह पे ये इस्तेमाल करेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि हीट गन से जो है इसको सिस्टम को दोबारा, ये आप देख सकते हैं, ये चिपसेट जो है थोड़े से मुश्किल हैं, क्योंकि इसमें रैम भी इस सिस्टम में ही दी हुई है, तो रोम भी यही है, तो रैम भी यही है। तो ये चिपसेट छोटे से निकाले हुए हैं, तो अब सस्ता काम तो ऐसे ही होगा।
जितने छोटे छोटे से बोर्ड ये बना के भेज रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पहले वाले रिसीवरों का जो है सत्यानाश कर दिया है इन्होंने। तो ये सिस्टम हमने इसमें लगा दिया है, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। तो ये नाज़रीन ये ठंडा हो गया है, तो इसको थोड़ा सा बारीक सिस्टम को कावे की मदद से जो है इसकी पिने जो है थोड़ी सी रिसोल्ट करेंगे, ताकि अगर कोई कनेक्शन आपस में जुड़ा हुआ है तो वो अलग हो जाए। ये आप देख सकते हैं ये चारों ओर कावे की मदद से जो है हम ये इसको रिसोल्ट कर रहे हैं। और ये इसका जो फ्रीक्वेंसी आईसी है M5815, इसको भी हम रिसोल्ट करेंगे, ताकि हो सकता है इसमें भी कार्बन नमी की वजह से जो है ये स्टार्ट ना हो रहा हो। तो ये चारों ओर जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको अच्छे तरीके से रिपेयर करें, और उसके बाद जो है दोबारा थोड़ा सा इसको हम वाश करेंगे, और वाश करने के बाद जो है फिर दोबारा हम इसको चेक करेंगे कि अब ये स्टार्ट हो रहा है या इसी पोजीशन में ही है। तो आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि ये बन जाए, ताकि आपको भी ये फॉल्ट निकालने में आसानी हो। तो ये इसको हमने वॉश कर लिया है, और ये इसके ग्रुप स्विच हम लगा रहे हैं, और ये इसको हम स्विच लगा के चेक करेंगे कि ये स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं ना, ये स्टार्ट हो गया है। ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसका टाइमर जो है थोड़ा सा डिम है, जिसकी वजह से ये आप देख सकते हैं ये इसका स्टार्ट हो चुका है। तो ये आप इसका देख सकते हैं ना, इसका डिस्प्ले ये स्टार्ट हो गया है, और इसकी वीडियो आप ये देख सकते हैं। तो नाज़रीन हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।